कहते हैं सोल्जर्स ऑफ टू डिफरेंट नेशंस कैन ईदर बी फ्रेंड्स और एनिमीज, यानी दो अलग अलग देश के सैनिक या तो पक्के दोस्त हो सकते हैं या फिर कट्टर दुश्मन। मौजूदा स्थिति में इन शब्दों को अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर इसी स्थिति को अमेरिका से जोड़कर देखें तो दोस्ती का बंधन हमें कुछ हद तक भरोसा दिलाता है कि अमेरिका चाहे अपने फायदे के लिए ही सही, भारत के साथ खड़ा है। भारत और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज का वीडियो विश्लेषण करने से पहले मैं आपको भारतीय मूल के एक अमेरिकी सैनिक की कुछ बातें सुनवाना चाहता हूं, जिसने उरी में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए भारत के 19 वीर जवानों को लेकर कुछ शब्द कहे। हम सबको बहुत दुख लगा था क्योंकि उसी वक्त सेम टाइम न्यूयॉर्क में भी दो ब्लास्ट हुए और हमने वो चीज को सेम महसूस किया जैसे यहाँ के इंडियन सोल्जर्स से महसूस किया। सबको बहुत बुरा लगा, हमारे पूरी सिंपथी उनके साथ है और हम ये चाहते हैं कि हम इस चीज को एक्सरसाइज को और बढ़ाएं, इसकी किस तरह हम और कामयाबी पा सकें आपस में और जो लोग टेररिस्ट हैं उनका हम किस तरह सामना कर सकें और जिन क्षेत्रों में स्पेशली जहां पे ये चीजें हो रही हैं उनको हम किस तरह हैंडल करें और पीस को बढ़ाएं। अभी आपने जिस सैनिक की बात सुनी उनका नाम गुरप्रीत सिंह गिल है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी सैनिक हैं और यूएस आर्मी में स्पेशलिस्ट की रैंक पर हैं। एक सैनिक की शहादत का जितना अफसोस उसके परिवार वालों को होता है, उसके देश को होता है, उतनी ही तकलीफ किसी और देश के सैनिकों को भी होती है। शहीदों के बीच देशों की सीमाएं नहीं होती। आज की तारीख में ये कड़वा सच है कि आतंकवाद का सांप पूरी दुनिया में निर्दोष और बेकसूर लोगों को डस रहा है और वक्त की नजाकत यही कहती है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ आगे आना होगा। भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों उत्तराखंड के रानीखेत में एक ऐसी ही जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के कुल मिलाकर 450 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये जॉइंट एक्सरसाइज इस तरह से डिजाइन की गई है ताकि दोनों देशों के सैनिक किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के दौरान एक दूसरे के काम करने के तरीके को ठीक से समझ पाए और इसके लिए एक काल्पनिक वॉर जोन तैयार किया गया है ताकि रियल टाइम में सैनिकों की काबिलियत को करीब से देखा जाए। और आपको यह भी बता दूं कि दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास सीरीज की शुरुआत 2004 में हुई थी और तब से लेकर अब तक हर वर्ष भारत और अमेरिका के सैनिक एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं। ये जॉइंट एक्सरसाइज एक बार भारत में होती है और अगले वर्ष अमेरिका में होती है। डीएनए में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत और अमेरिका के बीच सैनिक संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच हर वर्ष मालाबार अभ्यास के तहत होने वाली जॉइंट एक्सरसाइज भी इस मजबूत गठबंधन की तरफ इशारा करती है। इसीलिए आज आपको जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस रिपोर्ट में आपको आतंक के सर्वनाश से जुड़ी हुई जबरदस्त तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास है। इस मकान पर आतंकवादियों ने कब्जा किया है और उनके बंधक हैं इस मकान में रहने वाले मासूम लोग। ये आतंकवादियों का सर्वनाश करने की तैयारी है। आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में इस मोर्चे को जीतना बहुत जरूरी है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे देखकर आतंकवादियों और उसे पालने वालों को साक्षात मौत के दर्शन होंगे। आतंकवाद ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ल तब ली जब वो शहरों में घुसा। यहाँ उसके पास छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह थी और निशाने पर थे शहरियों की भीड़।
इसलिए आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में इस मोर्चे को जीतना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और अमेरिका के बीच हो रहा 12वां संयुक्त युद्धाभ्यास सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मिशन है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, दुनिया से आतंक का सफाया। आतंकियों के खिलाफ दुनिया में सबसे मुश्किल ऑपरेशन तब होता है जब आतंकवादी घर में घुसकर मासूमों को बंधक बना लेते हैं, और ऐसी स्थिति में सेना की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि निर्दोष लोगों को सुरक्षित घर से बाहर कैसे निकाला जाए। इस मकान पर आतंकवादियों ने कब्जा किया है और उनके बंधक हैं इस मकान में रहने वाले मासूम लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। अब उन आतंकवादियों को इन कमरों से कैसे बाहर निकाला जाएगा बगैर बंधकों को नुकसान पहुंचाने, इसकी तैयारी अब आपके सामने है। इस ड्रिल में सेना की मदद करता है क्वाडकॉप्टर, जिसे आतंकवादियों की एक एक हरकत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर नजर रखने के लिए एक क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक यूएवी है जिस पर कैमरा फिट है और ये इस समय पूरे कॉम्प्लेक्स पर नजर रखे हुए लाइव डाटा, लाइव तस्वीरें पीछे कमांड सेंटर में जा रही हैं और भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक एक करके इन कमरों को खाली कराते जा रहे हैं। भारतीय सेना ने क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल साल से 1.5 साल पहले शुरू किया था और इतने ही वक्त में इसने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। आपने कुछ दिन पहले त्राल में एक मोबाइल टावर पर भारतीय झंडा फहराते हुए एक सैनिक को देखा होगा, वो तस्वीरें भी क्वाडकॉप्टर से ही ली गई थी। सुरक्षा बलों के लिए जंगल में ड्यूटी करना एक साथ दो दो जंग लड़ने जैसा होता है, खास तौर पर तब जब सामने आतंकवादी हो। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अक्सर क्लोज क्वार्टर बैटल होती है, यानी बहुत आसपास की लड़ाई होती है, और अगर दो मुल्कों की सेनाएं साथ मिलकर कोई कार्रवाई करना चाहें तो जरूरी है कि एक दूसरे के हथियारों के बारे में जानकारी रखें, और खास तौर पर हल्के हथियार, क्लोज क्वार्टर बैटल्स के हथियार। हमारे साथ कॉर्पोरल नोवाक है, M4 जो US आर्मी का स्टैंडर्ड इशू है, और भारतीय सेना AK-47 राइफल का ज्यादातर इस्तेमाल करती है। कॉर्पोरल नोवाक, हैव यू फायर्ड AK-47? I have not the AK-47. I haven't fired one. How you compare this? This is a basic standard issue weapon for US Army, yep. And AK-47 is for Indian Army. How you compare these two weapons? Well, see, I like the M4 just because of the weight and how the way it's balanced, and just the fire control you can do. So you can either fire one round or three round bursts. It's a little more accurate, I feel like. So. Have you tried Indian weapons also? I have. How are they? They're pretty good. Just a little longer, and they only utilize the iron sights, and I just like our optics on it. But they are pretty accurate as well. So. And how you rate Indian shooters? Oh, very good. Yeah, they can hit targets from far distance. So. कश्मीर में जब सुरक्षा दस्ता निकलता है, तो हर कदम पर उनके सामने मौत छिपी होती है। लेकिन अफगानिस्तान में मौत को मात देने वाले अमेरिकी सैनिकों और भारतीय सेना की इस एक्सरसाइज ने दोनों देशों के सैनिकों को जरूरी सबक देने का काम किया है। दोनों के तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन मकसद सिर्फ एक है। अमेरिकी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अलग अलग देशों में आतंकवाद के खिलाफ, भारतीय सेना भी लगातार पिछले कई दशकों से आतंकवाद से जूझ रही है। अब आप दोनों साथ में कार्रवाई की आपने पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा, क्या फर्क दिखा आपको इन दोनों लोगों की कार्रवाई में? जितने हमारे ड्रिल्स हैं, जनरली हमारे जोर ज्यादा है हमारे ड्रिल्स पे, और ह्यूमैनिटेरियन एंगल से हम ऑपरेशंस करते हैं, बिकॉज हमारे ऑपरेशंस चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, हमारे खुद के अवाम के साथ है, तो हम उनको साथ रखना चाहेंगे, उनको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाना चाहेंगे। जबकि सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते नहीं है US आर्मी के लिए, बिकॉज US आर्मी की ऑपरेशन जनरली एक्सपेडिशनरी नेचर के हैं और बाहर देशों में है, तो बड़े हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो, हम प्रेसिशन स्ट्राइक्स करने पे ज्यादा जोर देते हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका अग्रिम मोर्चे पर हैं,
भारतीय सैनिक और अमेरिकी सैनिक जब एक साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की तैयारी में आते हैं तो वो एक दूसरे से क्या सीखते हैं? सर्जेंट वैन ड्रियाल हैं अमेरिकी सेना के। सर्जेंट ड्रियाल, व्हाट यू लर्न फ्रॉम इंडियन काउंटर पार्ट्स? इट्स जस्ट डिफरेंट वेज हाउ दे ऑपरेट एंड हाउ वी ऑपरेट, इट्स जस्ट सी हाउ दे वर्क एंड सी हाउ वी कैन वर्क इन दैट वे वी कैन इफ वी एवर हैव चांस टू वर्क टुगेदर वी कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन टैक्टिक्स टू अचीव an operation like this. Talking to Major Sriram about it, he described to me the operations he's conducted in Jammu and Kashmir, and that he learned very early on that the important thing is to be respectful of the local population and to work well with them, because otherwise, if you don't do that, the problem will only continue. And so I think you could see it here in the demonstration, the way that they use the local police and then the civic action team afterwards as a way that they tried to do these operations in the least disruptive way, while at the same time countering terrorism, which is the ultimate objective as well. Thank you very much, Captain Petrus. Thank you. अमेरिकी सैनिक जो इस कार्रवाई में भाग ले रहे हैं हमेशा इस चीज का एहसास करते हैं कि भारतीय सेनाएं जब कार्रवाई करती हैं मानवाधिकारों का वो हमेशा ध्यान रखती हैं। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्धाभ्यास में आउटडोर और इंडोर दोनों तरह के युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। अक्सर आतंक के खिलाफ युद्ध में सैनिकों को आतंकवादियों द्वारा बिछाए गए बूबी ट्रैप यानी धोखे का सामना करना पड़ता है। इन हालात से निपटने की तैयारी भी पुख्ता होनी जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बगैर जंगलों में उतरे पूरी नहीं होती है, और इन जंगलों में सुरक्षा कर्मियों का सामना होता है खतरनाक बूबी ट्रैप्स और IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से। अमेरिकी सेनाओं को वियतनाम की लड़ाई में बूबी ट्रैप्स और इन जंगलों का बहुत ज्यादा अंदाजा हो चुका है और बहुत कड़वे अनुभव है उनके पास। वहीं भारतीय सेना लगातार कश्मीर के घने जंगलों में आतंकवादियों से जूझ रही है और उसे भी आईडी और बूबी ट्रैप्स का बहुत कड़वा अनुभव है। दोनों सेनाएं मिलकर यहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की तैयारी में इन सारी चीजों में से निपटने का, आईडी और बूबी ट्रैप्स से निपटने का और इन जंगलों को पार करने का अभ्यास कर रही है। उरी में हुए आतंकवादी हमले की पीड़ा पूरे देश ने महसूस की। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन एक सैनिक ऐसे हमलों को लेकर क्या सोचता है आज आपको ये भी पता होना चाहिए। आई थिंक हम दोनों का जो गोल है वो सेम है, क्योंकि इवन दो युद्ध है, इवन दो टेररिज्म है, हम चाहते हैं कि पीस हो, है ना। हम चाहते हैं कि हम US और इंडिया मिलकर कैसे पीस बढ़ाएं। स्पेशलिस्ट गिल, आप लोग यहीं थे जब उरी पे अटैक हुआ और सोते हुए भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ पे आप लोग काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप लोग यहाँ थे तो US फोर्स क्या सोचती थी उस अटैक के बारे में? हम सबको बहुत दुख लगा था, क्योंकि उसी वक्त सेम टाइम न्यूयॉर्क में भी दो ब्लास्ट हुए और हमने वो चीज़ को सेम महसूस किया जैसे यहाँ के इंडियन सोल्जर्स से महसूस किया। सबको बहुत बुरा लगा, हमारे पूरी सिंपथी उनके साथ है और हम ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ को एक्सरसाइज को और बढ़ाएं, इसकी किस तरह हम और कामयाबी पा सकें आपस में, और जो लोग टेररिस्ट हैं उनका हम किस तरह सामना कर सकें, और जिन क्षेत्रों में स्पेशली जहां पे ये चीजें हो रही हैं उनको हम किस तरह हैंडल करें और पीस को बढ़ाएं। कुल मिलाकर कहें तो भारत और अमेरिका ने आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले युद्धाभ्यास का ट्रेलर दिखाकर एक तरह से आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाने वालों को चेतावनी देने की कोशिश की कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना अंजाम काफी बुरा होगा। आतंकवाद का जो विचार है वो बहुत सारे देशों को, बहुत सारे ग्रुप्स को साथ ला रहा है, लेकिन आतंकवाद से निपटने का, आतंकवाद को खत्म करने का भी विचार दुनिया में कई देशों का एक साथ ला रहा है। भारत और अमेरिका जैसे दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक दूसरे के साथ आ रहे हैं आतंकवाद से निपटने के लिए। दोनों के सैनिक एक ही जैसा सोचते हैं आतंकवाद के बारे में। कैमरामैन तेज सिंह के साथ कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, चौबटिया। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का हमदर्द कहा जाने वाला अमेरिका भारत के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि एक जमाने में भारत का पक्का दोस्त कहा जाने वाला रशिया पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता, ना कोई पक्का दोस्त होता है और ना ही कोई पक्का दुश्मन।